हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SHS फन इंडिया। आज हम जा रहे हैं एक नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश। आज हम अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग सिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे और वहाँ के कल्चर को जानने की कोशिश करेंगे। और अपने आप में ये बहुत खूबसूरत सिटी है। यहाँ का कल्चर, यहाँ के पहाड़, यहाँ की नेचुरल जो एनवायरनमेंट है बहुत ही खूबसूरत है। तो आइए चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की बात अलग है। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर साइट सीन की बात हम नहीं कर सकते। हर थोड़ी दूर पे आपको पहाड़ और ऐसी नदियाँ बहती दिख जाएंगी जो इतनी खूबसूरत लगती हैं। वॉटरफॉल है सबसे पहले हम अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला सिटी की तरफ जाएंगे। ये एक पहाड़ पर है सिटी और इसकी ऊंचाई 7,923 फिट है, यानी इतनी ऊंचाई पर ये शहर बसाया गया है। और यहाँ का मौसम हल्का ठंडा, थोड़ा सा मॉइस्चर वाला होता है, तो यहाँ पे सर्दी काफ़ी पड़ती है। तो आइए चलते हैं। व्हाट अ व्यू, ये देखिए, आधी धूप निकली हुई है, ऊपर क्लाउड और शेडो पड़ रहा है बादल के ऊपर। वाओ, बोमडिला में और गुड मॉर्निंग हो गई है। तो ये देखिए, यहाँ की सुबह ऐसी है, थोड़ा फॉग है, मौसम काफ़ी साफ है, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया जगह है। अब हम आगे बोमडिला में बोमडिला मोनेस्ट्री देखने जा रहे हैं, जिसे बोमडिला मठ कहा जाता है। आइए चलते हैं। यहाँ बताते हैं, बोमडिला मठ की स्थापना ईयर 1965 में हुई थी और ये बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक सार का प्रतिनिधित्व करता है। यह पश्चिम कामेंग जिले में टिपी ऑर्किड अनुसंधान केंद्र के करीब स्थित है। और महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इस स्थान को पवित्र मानते हैं ये लोग। और यह मठ दक्षिण तिब्बत के त्योना गोट्स मठ जैसा दिखता है। अब
आप अक्सर मोनेस्ट्री में गए होंगे तो देखा होगा इस तरह के सिलेंडर शेप्स बने होते हैं जिसे रोटेट किया जाता है। बेसिकली ये जो सिलेंडर शेप्स है इसमें बौद्ध धर्म के धार्मिक या आध्यात्मिक मंत्र अंकित होते हैं। बौद्धों की मान्यता है कि इसे घुमाने से अंकित मंत्रों का प्रसार आसपास के वातावरण अथवा ब्रह्मांड में होता है, तो इस वजह से इसे घुमाया जाता है। ये हार्ड है बट ये टूटेगा नहीं, वैसा वाला होता है अलग। इसके बाद हमने बोमडिला की मार्केट को एक्सप्लोर किया और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की शॉप थी। यहाँ पे ये याक के मिल्क की चॉकलेट टाइप का कुछ, इसे पता नहीं क्या कहते हैं, ये मिल रहा था। और इस तरह की चीज़ें भी थी जो रेगुलर यूज़ के लिए चाहिए होती हैं, ड्राई फ्रूट्स, दालें वगैरह, तो ये भी मिल रहे थे। इसके अलावा हमने कुछ, हमें वुलन चाहिए था तो वुलन भी परचेज किए। फिर हम आगे की तरफ निकल गए। नेक्स्ट वीडियो में आपको ले जाएंगे आगे अरुणाचल प्रदेश के नए शहर तवांग। तो आगे नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा, और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर योर टाइम।